हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है टेंशन फ्री स्टडी में। दोस्तों आज हम लोग जो है मैथ का एक प्रश्न लेकर आए हैं जो कि ओमकार सिंह के द्वारा जो है पूछा गया है। ओमकार सिंह जी ने जो है व्हाट्सएप पे एक प्रश्न जो है पूछे थे कि सिद्ध करें कि यदि a^0 होता है तो उसका मान जो है 1 होता है तो कैसे होता है। या जो है हम यह भी कर सकते हैं कि किसी भी संख्या पर जब हम लोग power 0 देते हैं तो उसका मान जो है क्या होता है, 1 होता है। तो इसको जो है हम लोग सिद्ध करेंगे। तो आप लोग जो है ध्यान से देखिए, और आप लोगों को यदि समझने में कहीं परेशानी होती है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और यदि हाँ आप लोगों का कोई प्रश्न होता है तो आप लोग भी इसी तरह प्रश्न को पूछिए, हम उनका जो है सोल्यूशन आपको वीडियो के रूप में देते रहेंगे। तो आप लोग जो है गौर से देखिए, हम दो चार एग्जाम्पल देख कर लेकर जो है उनको चेक भी कर लेंगे कि सही बात है या गलत। तो हमें क्या सिद्ध करना है, a^0 = 1 सिद्ध करना है। तो हम जो है ये जो a^0 है इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a^1 - 1 लिख सकते हैं, a^1 - 1 हम लिख सकते हैं। अब जो है आप लोगों को पता है कि यदि a^m और a^m -m हो तो इसको हम a^m * a^m यह वाला जो है आप घातांक पढ़े होंगे। उसी प्रकार से हम a^ जो है 1 - 1 है जिसको हम लिख सकते हैं a^1 * a^-1। अब जो है ये a^1 आपका पॉजिटिव में ऊपर रहेगा। अब जो है a^-1 इसको हम क्या लिख सकते हैं, आप लोग पढ़े होंगे कि यदि a^1 है और इसको यदि हम लिखना चाहें तो इसको जो है हम इस प्रकार से 1 / a^-1 लिखते हैं। मतलब ये पावर यदि प्लस में है, यदि नीचे लिखेंगे तो पावर बटे बटे में जाकर जो है निगेटिव हो जाता है माइनस, और यदि माइनस में है इसको ऊपर ले जाएंगे तो प्लस। उसी प्रकार से यहाँ जो पावर है a^-1 यदि इसको हम नीचे ले जाए 1 / तो ये पावर ए पावर प्लस हो जाता है, या जो है 1 / a^ क्या हो गया प्लस। तो अब देखिए यहाँ भी 1 a^1 जो है प्लस में, यहाँ भी a^1 प्लस में, ये ऊपर भेजा जो है गुना में है कट रहा है, क्या बच रहा है आपका 1। तो इस बराबर इस पार भी 1 था, उधर भी क्या था 1, आपका जो है ये 1 = 1 हो गया। इस प्रकार से आप जो है सिद्ध कर सकते हैं रूट। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप आसानी से समझ गए होंगे। उसी प्रकार से आप जो है और बहुत सारा एग्जांपल लेकर चेक कर सकते हैं। मान लीजिए कि यह जो है आपका 7/970 है, इस पर हम पावर दे दिए 0, इसका मान 1 कैसे होगा। हम क्या करेंगे, 70 पर जो है पावर हम इस 0 को 1 - 1 लिख सकते हैं, या 2 - 2 भी लिख सकते हैं। मान लीजिए हम ले लेंगे 2 - 2, 2 - 2 लेंगे। अब इसको हम लिख सकते हैं 70/2 और गुना 70/-2। तो यहाँ जो है 70/2 जो है 2 गुना इस 70/-2 को हम लिख सकते हैं 1/70/2, क्योंकि ऊपर धन ऋणात्मक था नीचे लेके धनात्मक पावर हो गया। अब ये 70/2 और 70/2 कट गया, क्या बचता है 1। इस प्रकार से जो है 70/0 का मान क्या हो गया 1, उसी प्रकार a^0 था 1। उसी प्रकार से कितना भी बड़ा मान क्यों ना हो, यदि उसका पावर 0 हो जाता है उसका मान हो जाता है 1, कितना ही बड़ा पावर क्यों ना हो। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। मान लीजिए एक्स वाई है, इस पर भी पावर 0 होगा जिसका मान क्या होगा 1। इसका भी हम आप एक बार एक आप आपको जो एक बार हम चेक करके दिखा देते हैं। जैसे एक्स वाई है उस पावर क्या है 0, हम इसको लिख सकते हैं 1 - 1। तो इसको फिर जो है हम एक्स वाई 1 - 1 है इसको अलग अलग करेंगे। आप लोग को पता है गुना में पावर जुटता है, जब गुना होता है तो पावर जुट जाता है। एक्स वाई पावर 1 है गुना एक्स वाई पावर -1। मान लीजिए दोनों जो है आधार समान है, यदि हम आधार को 1 ले लिए तो ये दोनों पावर क्या हो जुटेगा 1, अब +-1 तो -1 - 1। अब जो है यहाँ पे अभी आप सीखे एक्स वाई गुना ये एक्स वाई पावर -1 है, ये दोनों पर पावर जो है -1 है, इसको हम बटे 1 / एक्स वाई जो है इसका पावर पॉजिटिव कर देंगे नीचे करके। तो
अब ये आ जाएगा, कट जाएगा एक्स वाई, एक्स क्या बचेगा आपका वन। मतलब कोई भी स्थिति में यदि पावर जीरो होगा तो उसका मान जो होगा केवल एक होगा, चाहे जितना बड़ा से बड़ा नंबर ले ले, अचर पद ले ले, ए से जेड तक या लीटर ले ले, कुछ भी, जिस पर पावर जीरो हो गया उसका मान एक हो जाएगा। तो आप जो है इस बात को आसानी से समझ गए होंगे। तो हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय जय भारत। इसी तरह आप लोग जो है प्रश्न पूछते रहिए।